वेलकम बैक। मैं हूं मानसी और आप सभी देख रहे हैं सी लॉट न्यूज। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार से नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के लिए स्कूल फिर से खोले जा रहे हैं। हालांकि कुछ अभिभावक चिंतित हैं, वहीं कुछ अन्य परिवहन सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोविड 19 के मद्देनजर लंबे समय तक बंद रहने के बाद 7 फरवरी को कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए स्कूल फिर से खोले जा रहे हैं। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष अपरिचिता गौतम के अनुसार कई अभिभावक अपने जूनियर क्लास के बच्चों को स्कूल में भेजने को लेकर आशंकित हैं, क्योंकि अभी तक उनका टीकाकरण भी नहीं हुआ। गौतम ने कहा, इसलिए वे प्रतीक्षा करने और स्थिति पर गौर करने का विकल्प चुनेंगे। 7 वर्षीय एक बच्चे के पिता अनिल भाटी ने कहा, मैं अपने बच्चे को भेजना चाहता हूँ, लेकिन स्कूल ने अभी तक परिवहन सुविधा की शुरुआत नहीं की है और मैं अन्य माध्यम से व्यवस्था के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। जब स्कूल फिर से खोले जा रहे हैं तो सरकार को परिवहन सेवाओं को फिर से शुरू करने का आदेश देना चाहिए। केंद्र ने अपने दिशा निर्देशों से छात्रों को प्रत्यक्ष कक्षाओं में भाग लेने के लिए माता पिता की सहमति को अनिवार्य करने वाली खंड को हटा दिया है। वहीं दिल्ली सरकार ने इस खंड को जारी रखने का निर्णय लिया है।